नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि परिणाम से भाजपा के नेता अब तक उबर नहीं पाए हैं। हिंसक प्राणी जब घायल हो जाता है और वो तोड़फोड़ हमला करता है, वहीं ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़ेंगे। वहीं भाजपा के चावल घोटाले के आरोप को नकारते हुए उन्होंने कहा कि हम पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। बीजेपी के पास षडयंत्र के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि मोदी जी की उपलब्धियां, नोटबंदी, काला धन लेकर नोटबंदी पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। कितना काला धन आया इस पर कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी की जो उपलब्धि है वो क्या है? नोटबंदी। 9 साल बीत रहा है लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना काला धन देश का जमा हुआ, आरबीआई में कितने नोट जमा हुए, ये भी आज तक के उन्होंने जारी नहीं किया। नंबर 2, लॉकडाउन से देश को भारी नुकसान हुआ, कितने लोग जान से हाथ धोना पड़ा, कितने लोगों को रोजगार छीनी गई, इसके कोई आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किया। सरगुजा के ग्राम विलासपुर के रहने वाले एक युवक की बेटी पिछले 6 सालों से लापता है। युवक ने घटना की सूचना थाने में दर्ज कराई थी लेकिन अभी तक लापता की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि इस मामले से इलाके में लगभग आधा दर्जन से अधिक लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि खंडसारी उद्योग में काम करने वाले लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं और वहाँ की लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और बहला फुसला कर बाहर लेकर चले जाते हैं। ये सरगुजा एडिशनल एसपी ने बताया कि मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, मामले की जांच जारी है। सरायपाली में लाल ईंट का उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम लाल ईंट का उपयोग शासकीय निर्माण कार्यों के लिए किया जा रहा है और कार्यस्थल पर कहीं भी सूचना फलक बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। इस अधिकारियों की लापरवाही कहें या ठेकेदारों को संरक्षण, जिसके चलते प्रतिबंधित होने के बावजूद भी लाल ईंटों का निर्माण शासकीय निर्माण कार्य पर खुलेआम हो रहा है। बता दें कि तहसील कार्यालय के पास लाखों रुपए के लागत के शासकीय बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है तो वहीं भंवरपुर मार्ग पर करोड़ों की लागत से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि पूरा निर्माण कार्य लाल ईंट से ही हो रहा है। अब देखना यह होगा कि ऐसे विभाग के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। एसजीओ साहब, शासन द्वारा जो है शासकीय निर्माण कार्यों में लाल ईंट का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है, क्या कहेंगे सर? हाँ, अपने यहाँ जितने भी काम होते हैं फ्लाई ऐश बिट से ही होते हैं और लाल ईंट का उपयोग अभी बंद करता है क्योंकि फ्लाई ऐश का की मात्रा को खपाना है। फ्लाई ऐश को वेस्ट मटेरियल होता है, बाई प्रोडक्ट होता है और प्लांट का, तो उसके लिए निर्देश है कि फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाए। तो सर, क्या आवश्यकता पड़ने पर लाल ईंट का उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता? अब ये अनुमति ले जा सकता है, ऊपर से अनुमति के अनुसार किया जा सकता है। सर, सरकारी बिल्डिंगों में इन दिनों जो है निर्माण कार्यों के लिए सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो फ्लाइस हो चाहे लाल ईंट, तो क्या बताना चाहेंगे सर, किस तरह की ईंट का इसमें उपयोग होना है सरकारी बिल्डिंगों पर? सरकारी बिल्डिंग में लाल ईंट का उपयोग नहीं होना, उपयोग हो रहा है। ये निर्माण कार्य जो है ठेकेदार वाले निर्माण कार्य हैं या पंचायत स्तर पर भी लाल ईंट का उपयोग प्रतिबंध है? हमारे आर ई डिपार्टमेंट में तो फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग करना है, लाल ईंट का उपयोग नहीं करना। जगदलपुर में मसीह समाज के लोगों के बीच विवाद हो गया है, जिसके चलते चर्च अब 2 जगहों पर संचालित हो रहा है, जिसके कारण जमीनों का भी विवाद उत्पन्न हो गया है। इसी बीच ईसाई समाज के विवादित भूमि में निर्माण हेतु एक और विवाद सामने आ गया है, जहां एक पक्ष का कहना है कि निर्माण कार्य पर सटे लगा हुआ है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। और इस विवाद में बोधघाट थाना TI दिलबाग सिंह ने रोक लगाई है और निर्माण कर रहे पक्ष को कहा है कि सरकार आदेश के अनुसार अभी सभी कार्यों पर स्टे लगा है और 16 मई को सुनवाई होने तक यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करना है और काम तत्काल बंद करवा दिया जाए।
हथौड़ी चर्च इन इंडिया की प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसमें एपिस्कोपल चर्च ने कुछ जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से अपने नाम पे पट्टा जारी करवा लिया था 23 एकड़ का। इसके खिलाफ में हमने हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में 5/7/2022 को पूरी प्रॉपर्टी में स्टे हो गया। स्टे होने के बावजूद इन्होंने अपने जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है आपको, उस पर काम चालू कराया। उस पर एक हेरल्ड चैपल था हमारा पुराना, उसको तोड़ करके नया अवैध रूप से एक नया बिल्डिंग बनाने की कोशिश की। उसके ऊपर में हमने अवेलना का केस लगाया और 27/3/2023 को अवेलना का केस में माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया। देखिए, ये जमीन जो रही है ये 1892 से ये यहाँ के लोकल लोगों को दी गई ज़मीन है। ये MCI और ये सब का अस्तित्व तो 1981 के बाद आया है, लेकिन जो पूरी प्रॉपर्टी है ये 1916, 1923, 1925 में राजा के द्वारा यहाँ के लोकल लोगों के विकास के लिए, स्कूल निर्माण के लिए, यहाँ के लोगों की शिक्षा के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो ज़मीन दी गई थी। जगदलपुर में जन जागरण अभियान के 3 दिवसीय कार्यक्रम का रंगारंग समापन हुआ है। बता दें कि युवा अवस्था में एक रचनात्मक सोच के साथ जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य पिछड़े हुए बस्तर में बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित करना था। उन्होंने आशीर्वाद प्रदान करके लखेश्वर बघेल के साथ बतौर मुख्य अतिथि सांसद बस्तर जिला कमेटी के अध्यक्ष सहित अन्य उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ने कहा कि सिर्फ शादी कराना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, अब ये युवा अपने अनबन और पारिवारिक विवादों जीवनों उपार्जन के लिए भी संस्था के सदस्य बनकर मदद कर सकते हैं और रचनात्मक कार्यों से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा समापन समारोह में मैराथन दौड़, वॉलीबॉल, कबड्डी, एकल गान, सामूहिक गान, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, 10वीं और 12वीं में उच्चतम अंक पाने वाले प्रतिभागियों का सम्मान भी किया गया। जगदलपुर में बस्तर मुख्यालय के मुख्य मार्गों पर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों में चोरों ने हमला बोल दिया है। बीती रात चोरों के इस गिरोह ने शहर में घूम घूमकर कई जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। बता दें कि चोरों ने शहर के अमन मोबाइल, लक्ष्मी अन्न भंडार, चाणक सुपरमार्केट, SS ट्रेडर्स जैसी दुकानों पर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए पुलिस के गश्त की पोल खोल दी है। वहीं इस घटना के बाद अब शहर की जनता में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है। फिलहाल पुलिस अलग अलग टीम बनाकर पूरी घटनाक्रम की जांच कर रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग निरंतर जारी है, लेकिन कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हम देख रहे हैं कहां हमसे चुक हुई है और इस पर वर्कआउट भी करेंगे। और जो चोरी अभी हुई है हम चोरों को CCTV फुटेज के माध्यम से खंगाल रहे हैं कौन से लोग थे। अभी तक की जानकारी के अनुसार वो लोग बस के माध्यम से आए हैं और बस के माध्यम से रायपुर की तरफ रवाना हुए हैं। हम आगे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी के साथ फोटो वोटो शेयर किए हैं ताकि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकें। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।